हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सोलर ट्री। और सोलर ट्री एक तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, हम कम जगह में भी अच्छे खासे साइज का प्लांट लगा सकते हैं और नीचे जगह की खाली रहती है, इसका हम यूज कर सकते हैं और कारणों से। और ये अच्छा होता है, मतलब कम स्पेस पे करना हो और ये लुक में भी अच्छा लगता है और पावर भी अच्छी जनरेट कर देता है। अब होता क्या है कि ये लग तो जाते हैं पार्क्स में और गवर्नमेंट के पैसे से या फिर CSR के फंडिंग से, लेकिन भाई साहब ये इनका ऑपरेशन अच्छा नहीं होता, इन मेंटेनेंस अच्छा नहीं होता और ये प्लांट बंद हो जाते हैं। जैसे देखिए, ये इसमें 16 मॉड्यूल लगे हुए हैं और ये पढ़ने में तो नहीं आ रहा एग्जैक्ट, लेकिन मेरे हिसाब से 160 वाट से या 180 वाट का ये पैनल है। तो ये प्लांट करीब करीब 3 किलोवाट का है और 3 किलोवाट काफ़ी अच्छा होता है। ये मानिए कि 3 किलोवाट का प्लांट आपका 12 से 14 यूनिट की बिजली पर डे जनरेट कर सकता है। लेकिन देखिए, ये लग तो गया है लेकिन ये काम अभी नहीं कर रहा है। आपको मैं दिखा दूँ, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं, अवेयरनेस नहीं है, टेक्नीशियंस की भी ज़रूरत पड़ती है इनके लिए। तो आपको दिखा दूँ, यहाँ पे बैठने के लिए बना हुआ है और यहाँ पे आदमी बैठ सकता है, बैठ के यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। लेकिन फ़ायदा क्या है जब आदमी यूज नहीं करे। और यहाँ पे लाइटें भी लगी हुई है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसका कंट्रोल पैनल है और ये पावर अप नहीं हो रखा है, मतलब साफ सी बात है ये काम नहीं कर रहा है। वैसे ये पहला नहीं है, ऐसे जहाँ जहाँ लगे हैं करीब करीब वहाँ मैक्सिमम जगहों पे ये काम नहीं कर रहे हैं। तो लगाना ही नहीं है, इसमें कम से कम खर्चा आया होगा, अगर 3 किलोवाट का है तो 3-3.5 लाख का तो खर्चा आया ही होगा। यहाँ पे USB पोर्ट दिया हुआ है चार्जिंग के लिए और डायरेक्ट आप जो है 3-पिन सॉकेट भी दिया हुआ है, 5-पिन सॉकेट इसे चार्जिंग कर सकते। लेकिन इनका ऑपरेशन करना, मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आदमी यूज कर पाएगा। और इसकी लाइटों का और यूज करना चाहिए कि स्ट्रीट लाइट्स जो लगे हुए हैं या पार्क में जो लाइट लगे हुए उस पर काम हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बस काम हो जाता है, लग जाता है, फिर चले ना चले कौन देखता है। तो इस तरह से पैसे की बर्बादी नहीं करना है, नहीं करना चाहिए सरकार को। इसका ऑपरेशन का कि मतलब चल रहा है नहीं चल रहा है, इसका उन्हें रिपोर्ट लेनी चाहिए और इसका उपयोग हो ये ज़रूर देखना चाहिए। इससे अगर देखा जाए तो पार्क का जो खर्चा है, अगर हम लेते हैं 15 यूनिट पर डे का, तो हर महीने 450 यूनिट का बिजली बच सकता है। तो और अच्छे खासे पैसे की 3-3.5 हज़ार रुपये पर मंथ की इनकी चार्जर की बचत हो सकती है। बात बचत की तो मतलब बाद में देखी जाए इसका यूज, और इससे क्या होगा, लोग अवेयर भी तो होंगे कि भाई सोलर से काम अच्छा हो सकता है और ये लगाना चाहिए, तो ये मॉडल चलना चाहिए प्रॉपर। अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा डिज़ाइन है और कम जगह में अच्छे साइज का प्लांट नीचे की जगह हमें बचा रहेगा हमारे और काम के लिए। थैंक यू दोस्तों।